जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का 233वां क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो कि देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। 12 मेहमान किसी दोस्त के शादी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। यानी कि सभी जो है ना दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि जो है 12 मेहमान है और किसी दोस्त के शादी में जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन क्या है 12, यानी टोटल जो है मेहमानों की संख्या है 12, और 12 में से एक गया तो कितना हो गया 11/2, कट गया कितना हो गया 66 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए इसको कैसे जो है ना हम समझते हैं, ये कैसे आ गया 66। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि जो है ना छह मेहमान है, दो चार छह मेहमान है, ठीक है। अब छह मेहमान है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला मेहमान जो है ना किसके किसके साथ में मिलाएगा, इस पांचों के साथ में हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, तो 5 हो गया। फिर ये जो है ना दूसरा मेहमान जो है ये जो है ना इन सभी के साथ में मिलाएगा, यानी कि चारों के साथ में हाथ मिलाएगा। फिर जो नहीं ये जो है ना तीसरा वाला मेहमान जो है इन तीनों के साथ में हाथ मिलाएगा। फिर जो है ना दूसरा वाला मेहमान जो है ये चौथा वाला मेहमान जो है इन दोनों के साथ में हाथ मिलाएगा। फिर ये जो है ना इसके साथ में हाथ मिलाएगा, और सब जो है ना हाथ मिलाकर एक दूसरे से निकलता बनेगा। तो टोटल जो है ना हाथ मिलाने की संख्या कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 3 15 हो गया। अब देखिए 6 हो गया, 6 में से एक गया तो 5 2 2 से कट गया 3 5 3 15 हो गया ना, ये वाला फॉर्मूला से सेट हो गया ना। यानी कि सभी मेहमान जो है एक दूसरे से हाथ मिलाएगा और निकलते बनेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो है ऐसे अगर हम बनाएंगे तो लॉन्ग टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए एक फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बटा में दो। इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस जो है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। यहाँ बोलता है 8 दोस्त किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार 8 दोस्त के हाथ मिलाने की कुल संख्या है। यहाँ जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है कि जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ न मिला, यानी कि एक व्यक्ति जो है ना एक ही बार हाथ मिलाएगा, दोबारा जो है ना हाथ नहीं मिलाना, एक बार मिला लिए तो निकलते बनेगा, फिर दूसरा जो है ना एक बार मिला लेगा सभी से निकलते बनेगा, दोबारा जो है ना मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस वैसा ही बनाना है जिस तरह से अभी हम जो है 233 नंबर में क्वेश्चन बनाए थे, बस वही जो है ना फॉर्मूला लाएगा, वही फॉर्मूला से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 235 क्या बोलता है, इसको जो है ना आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बोलता है यदि किसी संख्या में 10 जोड़ा जाता तो परिणामी संख्या मूल संख्या के 3 गुने से 60 कम प्राप्त होता, तो वह संख्या ज्ञात करें। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है ना वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे वो संख्या x है, ठीक है। अब इस संख्या में 10 जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, 10 जोड़ देते हैं, ठीक है, 10 जोड़ देते हैं, तो परिणामी संख्या यानी कि ये वाला परिणामी यानी कि जो जोड़ने के बाद जो आया सो ये आ गया मूल संख्या के 3 गुने से। तो मूल संख्या क्या है, x है ना, इसके 3 गुने से क्या है 60 कम प्राप्त होता है, तो 60 कम प्राप्त होता है तो माइनस कर दिए इज इक्वल टू 60 हो गया। अब देखिए 3x हो गया माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 10 बराबर हो गया 60। 3x में से 1x गया तो 2x हो गया माइनस 10 हो गया, क्या हो गया प्लस 10 हो गया, 60 10 कितना हो गया 70 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बता चुके हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं, आप जो है ना मेरे पिछले वीडियो में जाकर जरूर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये बोलता है एक आदमी के पास कुछ कबूतर तथा घोड़े हैं,
यदि इन सब के कुल 200 सिर तथा 600 पैर हो तो कबूतर कितनी है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना हम परसों के वीडियो 3 दिन पहले जो है ना ऐसा ही हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बहुत ही इजी वे में। यहाँ देखिए 200 सिर है, इसका मतलब ये हो गया कि कबूतर और घोड़ा दोनों को मिलाकर 200 होगा, यानी कि जो ना 200 सिर है तो सबके पास एक ही को ना हेड रहता है। चार टांग वाला का जो है ना दो हेड तो रहता नहीं है, और दो टांग वाला का तो एक हेड होता, दो हेड होता नहीं है, एक ही एक ना हेड होता है। चार पैर वाला हो या छह पैर वाला हो या 50 पैर वाला हो या 1000 पैर वाला हो, सबके पास एक ही हेड होता। तो देखिए एक ही हेड होगा, यहाँ 200 सिर है और 600 पैर है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो है ना ये वाला में जो है ना डाउट हो सकता है, लेकिन 200 सिर है इसका मतलब 200 घोड़ा और कबूतर मिलाकर होगा। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे चार पैर वालों की संख्या, तो देखिए चार पैर वालों की संख्या निकालेंगे, चार पैर वाले की संख्या बराबर हो गया टांगों की संख्या यानी कि पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या बटा में क्या हो गया सिरों की संख्या। अब देखिए पैर कितना है 600 पैर है ना, 600 पैर में 2 से भाग दे दीजिए और सिरों की संख्या कितना है 200 है, तो क्या हो जाएगा 300 में से 200 गया तो 100, यानी कि चार पैर वालों की संख्या क्या हो गया 100 हो गया ना। और यहाँ पर बोलता है कबूतर कितनी है, तो देखिए कबूतर कितनी है तो कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए 200 सिर है यानी कि 200 जो है क्या है कबूतर और घोड़ों की संख्या है, जिसमें से जो है ना 100 चार पैर वालों की संख्या निकल गई है, यानी कि 100 जो है ना घोड़ा है और 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 कबूतर बचेगा ना, तो 100 कबूतर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये BCA 2008 में ये जो है ना क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ हाथ मिलाने वाला है। बोलता है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। अब यहाँ पर जो है ना व्यक्तियों की संख्या निकालना है, यानी कि कितना मेहमान आए थे, टोटल कितना मेहमान होंगे इस पार्टी में, टोटल कितना मेहमान थे कि जो है ना टोटल हैंडशेक 66 बार हुआ है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसा ही सॉल्व करेंगे, तो हाथ मिलाने की संख्या बराबर में क्या हो जाता है फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1/2, तो हाथ मिलाने की संख्या कितना है हैंडशेक है 66। अब देखिए 66 है, अब 2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो गया 14 12 13, n में n से गुना कर दिए n स्क्वायर माइनस n। अब देखिए ये द्विघातीय समीकरण हो गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये n स्क्वायर माइनस n प्लस 132 उधर जाकर हो गया माइनस 132 बराबर 0। अब 2 ऐसा नंबर थिंक आउट करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस एन हो और उसी को गुना करने पर माइनस 132 एन स्क्वायर आ जाए, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 को ऐसा नंबर लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर इतना आए और गुना करने पर इतना आए, तो वो दो नंबर क्या है, तो वो दो नंबर है माइनस 12 है कॉमा 11 है, माइनस 12 में से प्लस 11 को घटा जोड़ देंगे, माइनस 12 में प्लस 11 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा यानी माइनस एन आएगा, और इसी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 132 आ जाएगा। अब एन का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज कर करके लिखेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला को कैंसिल कर देते हैं, प्लस वाला को ले लेते हैं, ठीक है, तो प्लस वाला को ले लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 12 व्यक्ति थे, टोटल 12 व्यक्ति थे जिससे हैंड्स 12 व्यक्ति थे टोटल है ना, जिसमें जो है ना एक दूसरे से हाथ मिलाने पर 66 बार जो है ना हाथ मिलाए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन बोर्ड मास का है, बहुत ही इजी वे में बनेगा ये। देखिए सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी किसका, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट काम करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट का। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर लाइन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस सबको जैसे के तैसे लिखते चले जाएंगे, वाई माइनस, यहाँ हो गया जेड माइनस, यहाँ हो गया एक्स
माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो गया। फिर देखिए एक्स माइनस या वाई माइनस माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड। अब जाना मिडिल ब्रैकेट भी खत्म हो गया, अब बिग ब्रैकेट बचा। अब देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा ना, अब प्लस एक्स है कैंसिल होगा क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, ये जो है अलजेब्रिक पोर्शन का क्वेश्चन है लेकिन नंबर सिस्टम में डाले हैं इसको। ये देखिए a बराबर में 11 है, b बराबर में 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटा में aq माइनस bq बराबर 8 है, और SSC 2007 में ये पूछा गया था, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, ठीक है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसको जो है अरेंज करेंगे कैसे। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab माइनस ab प्लस ab लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ए बी प्लस ए बी अगर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इस पर जो है ना रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए बटा में क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद जो है प्लस ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको मिला देंगे तो टू ए बी हो जाएगा ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए बी माइनस ए बी बचेगा। फिर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यू माइनस प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं या ये वाला भी ले सकते हैं, दो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है तो वही तो है, यहाँ पर जो है कटिए जाएगा आराम से, यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आराम से कट जाएगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए ये वाला हटाइए, इसी का ना फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा वन बटा ए माइनस बी बचा, तो ए क्या है 11 है और बी क्या है 9 है, तो 11 में से 9 गया तो कितना हो गया 2, 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरलीकरण है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में इसको बनाएंगे। देखिए 1 by 1 into 4 है plus 1 by 4 into 7 है plus 1 by 7 into 10 है plus 1 by 10 into 13 है plus 1 by 13 into 16 बराबर में भाग क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले ये जो है देखिए 4 एक 4 यहाँ 7 चौका 28 है, ठीक है, यहाँ 10 सत्तर 70 है, 13 ढाई के 130 है, तो हम जो है ना एक स्टेप को हटा देते हैं। ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 minus 1 by 4 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 माइनस 1 बाई 4 लिख देंगे तो 4 में से एक गया तो क्या हो गया 3, 3 बटा 4 आ जाएगा। अब फिर देखिए आगे प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 7, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो 7 में से 4 गया तो क्या हो गया 3, 3 बटा 28 हो जाएगा ना, तो सभी में जो है ना 3 एक्स्ट्रा आएगा। तो देखिए फिर देखिए प्लस 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 13 प्लस 1 बाई 13 माइनस 1 बाई 16, तो देखिए 16 13 कैल्शियम हो गया इतना, और 16 में से 13 गया तो 3 हो गया, 13 10 कैल्शियम हो गया कितना 10 इंटू 13, और 13 में से 10 गया तो कितना हो गया 3, 3 बटा 10 हो गया। तो हर जगह पर जो है ना 3 जो है ना क्या आ रहा है एक्स्ट्रा में आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो है ना ऊपर में 3 कहीं दिख नहीं रहा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए 3 को हटाने के लिए नीचे से हम 3 को लगा देंगे, नीचे से हम जो है ना 3 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे 1 बाई 3 कर देंगे, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ताकि जो है ना रियल वैल्यू को इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए 1 बाई 3 से हम इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तब ना जो है ना 3 कट जाएगा, सब में 1 ऊपर में दिखेगा। अब देखिए ये जो है बैलेंस हो गया, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल करते चले जाइए एकदम आराम से, हलवा की तरह काटते जाइए, 1 माइनस 1 बाई 16 है तो क्या हो जाएगा 16 में से गया तो 15 15 बटा 16 हो गया
15 बटा 16 अगुन है 1 बटा 3। देखिए 1 में से 1 बाई 16 घटाए, ये भिन्न का जो है ना घटाव है, 1 में से 1 बटा 16 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 16 एक 16, 16 में से ये तो 15, 15 बटा 16 हो गया, 1 बटा 3 पहले से है, तो देखिए 3 से ये जो है ना 15 को काट देगा, 3 15 को काट देगा 5 बार में, तो 5 बाई कितना हो गया 16 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।